तो गाइस देखो यहाँ पे बैठ चुका और यहाँ पे एक कैट ने बच्चे लाके रखे हैं, तो वो उसी को देख रहा है, वो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल शांत है, बट ये रात से सो नहीं रहा, उनको ही देख रहा है और खाना भी नहीं खा रहा। दो तीन दिन हो गए बराबर से, ये देखो ये सुबह से ऐसा ही पड़ा है, इसके लिए रखा है तो भी ये खाना नहीं खा रहा। अभी फ्रेश डाला है तो भी नहीं खाना खा रहा है, तो क्या पता क्यों नहीं खाना खा रहा। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ इसको, या मुँह का टेस्ट बिगड़ गया है इसका तो क्या। सो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स व्लॉग्स पे। तो गाइस बहुत टाइम हो गया जो है व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो कंटिन्यूसली जो है थोड़ा बहुत काम था उसके कारण नहीं आ पा रहे थे। बट गाइस आज जो है कल शाम से नोटिस कर रहा हूँ, जो मैक्स है वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहा है। अभी भी मैंने उसको देख के दिया खाना तो भी नहीं खा रहा था। कल सुबह उसको थोड़ा बहुत दिया तो भी नहीं खा रहा, चावल दिया तो नहीं खा रहा, बस वो जो है बोन्स वगैरह है वो अच्छे से खा लेता है। बट मैंने उसका डॉग फूड होता है जो पेडिग्री होता है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से खाता है। बट थोड़ा भी अगर कभी कभार मैं उसकी हेल्थ के लिए डॉग फूड जैसे शिफ्ट कर लेता हूँ एक डॉग फूड से दूसरे डॉग फूड तक, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं खाता। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे डॉग को जो है पेडिग्री ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा जो बोन्स वगैरह थे वो अच्छे से खा लेता है, उसका कोई डाउट नहीं, आराम से खा ले रहा है। तो अभी जो है खाना नहीं खा रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको पीछे बैठा ही है। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी ये बैठ चुका है। अभी प्रॉपर तरीके से मैं इसके एक्सरसाइज करा के दिखा देता हूँ, अगर एक्सरसाइज करने के बाद ये शाम को खा लेता है तो ठीक है, नहीं तो इसका आई थिंक मेरे को लगता है बीमार वगैरह तो नहीं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर रहा है, मस्ती करता है, सब कुछ कर रहा है। बट अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे ख्याल से उसको जो है मुँह का टेस्ट बिगड़ चुका है, तो उसके लिए कुछ अलग से तो नॉनवेज वगैरह देना पड़ेगा, या तो फिर उसको ग्रेवी वगैरह ला के देनी पड़ेगी खाने के अंदर, क्योंकि प्रॉपर तरीके से डॉग एक ही खाना खा के जो है बोर हो गया। मैक्स चल इधर, कम ऑन, चलो एक्सरसाइज करने चलो। तो गाइस आप देखना यहाँ पे ये जो स्ट्रीट डॉग है जो काली यहाँ पे रहती है, उसने क्या हाल करके रखा है यहाँ पे, पूरा इसको तोड़ के आराम से इसके अंदर खड्डा करके बैठ जाती है, तो इसके अंदर अब जो है पानी भरता है। तो गाइस ये जो है थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस करवा देते हैं। मैक्स अभी खा रहा है, देखो ट्रीट देते तो खा लेता है, उसको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ खाने के लिए तो वो नहीं खा रहा है। जंप जंप ओके चल कम ऑन के सिट मैक्स सिट जंप 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 गुड बॉय जंप जंप ओके सेट। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको 10 या 15 मिनट तक इसको ट्रेनिंग देनी है, ये लॉन्ग वीडियो हो सकती है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाकी इसको जो है आपको 25 मिनट या 20 मिनट तक ज़रूर करना है, ताकि आपका डॉग अच्छे से थक जाए और प्रॉपर तरीके से उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट तरीका करते हैं, इससे जो है हम खेलेंगे, इससे थोड़ी बहुत रनिंग कराएंगे ताकि उसको थोड़ी बहुत भूख लगे अगर एक्सरसाइज करवाते तो। ये देखो स्टे मैक्स स्टे स्टे सिट कम चल स्टे 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 हाँ गुड बॉय सिट स्टे 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 गो चलो स्टे 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 लेके भाग जाता है, ये हाथ नहीं आएगा फिर। सिट जंप जंप सिट सिट जंप 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 मैक्स जंप कम ऑन जंप स्टे स्टे नाउ नाउ वन टू थ्री। तो गाइस ये इसके लिए लेके आया था टॉय, आपको पता ही होगा, तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाता हूँ और देखता हूँ अगर खाना खाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको जो है ला चल मैक्स दे कम ऑन दे स्टे स्टे नो नो जो है कुछ खाने को लाना पड़ेगा ताकि मुंह का ही टेस्ट इसका देख सकते हैं। अब काफ़ी हेल्दी और फिट तो लग रहा है, बीमार जैसा कुछ लग नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसका जो है स्टे स्टे इसका जो है खाने का स्वाद मतलब थोड़ा बहुत बदल गया इसके कारण ऐसा हो रहा है। स्टे मैक्स स्टे गो।
तो गाइस आप इस तरह से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज उससे करवा सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से अगर कभी कभार एक्सरसाइज नहीं होती तो डॉग जो खाना नहीं खाता, भूख नहीं लगती, तो उसके कारण भी ऐसा करता है। तो ये देखो अभी इसके साथ खेल रहा है, और जो है स्ट्रीट डॉग मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये क्या कर रही है, इधर आराम से सो रही है। देखो इसकी टांग जो फ्रैक्चर हो चुकी थी पूरी तरह से ठीक हो गई है, देखो दिखा रही है टांग, तो ये सो रही है अभी फ़िलहाल में, रात को बहुत भोंकती है। और ये देखो अभी इसको तोड़ने की फिरात पे है, चल दे मैक्स, दे 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 ला मैक्स, चल दे। तो गाइस आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से थक चुका है, और अभी इसको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी तो इसको पानी दिया थोड़ा बहुत ठंडा, तो अभी ये पानी पी रहा है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप ज़रूर अपने डॉग को भी एक्सरसाइज ज़रूर कराएं, ताकि उनकी भूख भी अच्छे से बढ़े और आपका डॉग अच्छे से खाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।